दोस्तों देखिए, ये बेटर है या ये बेटर है, आज हम आपको दिखाएंगे। ये फाइबर जो हम कनेक्शन इलेक्ट्रिक पोस्ट में लगाते हैं और वहाँ से हमारा मेन लाइन आता है, हमारा मेन लाइन जब भी लटक जाता है तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए हमको सीरी की ज़रूरत होता है, हमको सीरी ले जाना पड़ता है और हमारे जो लड़का लोग हैं उन लोग को भी ले जाना पड़ता है। बोलो, हम लोग देखते हैं हमारा फाइबर कहाँ पे टूट गया है, लटक गया है, क्या होता है। देखिए, हमारा फाइबर ये जो वायर है, ये जो तार है, इससे हम इसको बांधेंगे। पहले हमारा क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, देखिए ये हम फाइबर को ऐसे बांध रहे हैं। देखिए, हम ऐसे बांध के फाइबर को इलेक्ट्रिक पोस्ट में हम लगाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए ये हमने बांध लिया, ठीक है। देखिए, अगर आप ज़ोर से खींचोगे तो ये फिसलता है, ठीक है। ये देखिए फिसल रहा है, ये देखिए, जितना भी टाइट कीजिएगा फिसलेगा ही फिसलेगा। तो फिसलने के बाद क्या होता है, ये फाइबर हमारा लटक जाता है। लटक जाने के बाद नीचे से ट्रक या बस ऐसे कुछ गुजरने से ये हमारा फाइबर टूट जाता है। टूटने के बाद हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कस्टमर लोग बोलते हैं पिक्चर नहीं आ रहा है, नो सिग्नल नहीं लिखा आ रहा है, ठीक है। इसके लिए ये फाइबर हमको ज्वाइन करना पड़ता है, तब भी हमारा पिक्चर आता है, ठीक है। ये फाइबर अगर नहीं टूटे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ज्वाइन करने के लिए हमें स्प्लिसिंग मशीन की ज़रूरत होता है। किसी के पास स्प्लिसिंग मशीन होता है, किसी के पास नहीं होता है, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो हमने एक ऑनलाइन में से एक सामान मंगाया, तो उसको हम लगा के दिखाएंगे और कैसे इसको यूज़ करते हैं इसको हम आपको दिखाते हैं। पहले हम इसको खोल देते हैं, ये हमारा पहले ज़माने का था, इसको हम खोल देते हैं, ये अभी काम का नहीं है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखिए, ये हमारा फाइबर लॉक है, ठीक है। ये मेटल का होता है, स्टील का होता है, ये क्या होता है, जंग नहीं खाएगा। देखिए ये कैसे खोला जाता है, ये हमने इसको खोल दिया, ये देखिए ये निकल गया, ये भी निकल गया। देखिए, ये फाइबर हम इसमें ऐसे लगाएंगे, ये लगा दिया। फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक साइड में धार धार है और एक साइड में प्लेन है। तो हमें धार धार कहाँ पे लगाना होगा, ऐसे करके लगाना होगा, तब भी फाइबर को अच्छी तरह से पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का जो लॉक है इसको हम ऐसे लगा देंगे। लगा देने के बाद इसको हम किसी चीज़ से, हमारा साथ में प्लस होता ही है, ये प्लस से हम इधर मार देंगे। ये देखिए, प्लस से मार दिया। अभी खींचिए, जितना भी खींचिए ये फाइबर हमारा हिलने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक ये हमारा लॉक है तब तक हमारा फाइबर हिलने वाला नहीं है। देखिए, कितना भी जोर लगाइए ये हिलने वाला नहीं है, देखिए पूरा कस गया है। इसको हम ये जो रिंग है, इसको हम अभी ये रिंग को क्या करेंगे, इसमें हम ये तार इधर लगा देंगे। लगा देने के बाद इधर एक पेच लगा देंगे। लगा देने के बाद हम इलेक्ट्रिक पोस्ट में इसको बांध देंगे, तभी ये फाइबर हमारा जैसे का वैसा ही रहेगा, कभी लटकेगा भी नहीं। देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। शायद हमारे दोस्त लोग को पता नहीं होगा ये बढ़िया चीज़ है। ये मिलता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक वाला क्या होता है, बाहर बारिश धूप इससे क्या होता है, ये प्लास्टिक है ना, इसीलिए ये कुछ दिन के बाद टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर से हमारा फाइबर लटक जाता है। लेकिन ये जो स्टील का है, इसमें पानी भी गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए, स्टील का है, ये पानी गिरने से भी इसमें जंग नहीं खाएगा। तो हमें यह बहुत बढ़िया चीज़ लगा है, जिसको भी चाहिए ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे, ठीक है, जिसको भी चाहिए मिल जाएगा। हम इसका प्राइस नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्राइस कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, इसीलिए हम इसका लिंक भेज देंगे। अगर आप
अगर आपको मिल जाए तो ले लेना, बढ़िया काम का चीज़ है। देखिए इसको भी खोल भी सकते हैं, देखिए ऐसे मार दिया, ये देखिए ये खोल गया, ये देखिए ये बढ़िया से खुल गया, ये अलग हो गया। ठीक है, इसको फिट करना कैसा है फिर से दिखाते हैं। ये इसका लगा दिया, ये जो धारदार है इसको हम नीचे रखेंगे, ये हमने रख दिया। अभी इस लॉक को हम यहाँ से पीछे से लगा देंगे, इसमें थोड़ा प्लस से मार देंगे, ये देखिए ये पूरा लॉक हो गया अभी। ठीक है, बढ़िया काम का चीज़ है, तो आप ज़रूर मंगा लीजिएगा, बहुत अच्छा है और हम भी इसको यूज़ करते हैं, कहीं पर लगाने वाले हैं। तो कैसा लगा आपका वीडियो, आज आपका वीडियो कैसा लगा और हमारा साउंड क्वालिटी हमको आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। कोई दोस्त हमारा बताया था जो हमारा साउंड क्लियर नहीं है, हम क्या बोलते हैं अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है, इसके लिए हमने आज दूसरा जुगाड़ लगाया, इसीलिए हमारा साउंड क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही।